कौन पैदा बैक टू गाइस माय न्यू व्लॉग आए ऊपर तो आप अच्छे होंगे। तो गाइस आज व्लॉग स्टार्ट करते हैं 12 बजे। तो गाइस आज तो मैं यार फिर बजे होता गाइस 12 बजे। तो गाइस आज तो मैं जल्दी उठ गया था। रोज जल्दी क्यों उठ गया था भाई? आज गया था भाई संडे राइड पे, इसलिए मुझे अब्बू ने कह दिया तू जल्दी उठ गया, क्योंकि मैं भाई काम करता हूं, मैं सोता रहता हूं, सुबह लेट उठता हूं। लेकिन गाइस मैं फिर भी 12 बजे आई थी मैंने। गाइस मैंने नाश्ता करा, फिर नहा गया, फिर कपड़े पहने, अब व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो गाइस पूरे 12 बज चुके हैं, 10 बजे से आप लगा सकते होगा आप कितना टाइम हो गया। तो गाइस अम्मी मुझे सुबह से मेरा एक नाम रख दिया अम्मी ने, और वो गाइस अम्मी नाम खुद बताएंगी। बताओ अम्मी नाम। अनवर हटेला। एक इज्जत हुआ दी मैं। देखो गाइस अनवर हटेला ये नाम कौन सी फिल्म देखता है? अच्छा तो गाइस अम्मी को किसी ने बताया था, जिसने बताया था मुझे कमेंट करा था ना, जिसने अम्मी वो मेरा नाम बताया था अनवर हटेला। अच्छा ओ गाइस मैं तो हूर का नाम कह रहा था अनवर हटेला। एरी अनवर हटेली गाइस मुझे कमेंट करके बता देना कि हूर का नाम कैसा लगा। गाइस कमेंट कर देना कि हूर का नाम अनवर हटेला रखें या अनवर हटेली रखें। गाइस वैसे तो लड़की इसका नाम अनवर हटेली अच्छा लगेगा, है नी अम्मी? अनवर हटेला गाइस लड़के का, लेकिन अम्मी मेरा नाम अनवर हटेला नहीं है, हूर का नाम है अनवर हटेली। गाइस एक बार कमेंट में जरूर बताना कि इसका नाम कैसा लगा। गाइस अम्मी मंगानी है खाना पकाने का सामान, तो गाइस मैं जल्दी से अम्मी से पैसे लेकर खाना पकाने का सामान ला के अम्मी को दे देता हूँ। गाइस मैं व्लॉग में दिखाऊंगा, क्योंकि जल्दी जल्दी लेकर आना गाइस, फिर से लेट होएंगे। व्लॉग बनाऊंगा तो गाइस और लेट होएंगे, इसलिए पहली बार बज चुके हैं और मैंने अम्मी को 5-10 मिनट में खाना खाने का सामान ला के नहीं दिया, फिर तो अम्मी अनवर हटेली बना देंगी। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, क्यों ये रोज क्यों पकता है? क्या एक हफ्ते में नहीं खाते, खाना खा सकते हैं? मतलब रोज की रोज ये काम रहता है। गाइस कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता उठा, नहीं सुबह उठो सफाई भाई नहीं सुबह उठो मुंह धो नहाओ है नहीं, फिर नाश्ता करो, फिर खाना बनाओ, फिर खाने का सामान लेने आओ, फिर पकाओ, फिर खाओ, फिर निकालो। गाइस यही बात होती है ना कि देखो इसमें कोई शर्माने की बात तो है ही नहीं, तो इससे अच्छा निकालने से पहले पकाओ नहीं। आई को कंफ्यूजन है। चलो कोई बात नहीं गाइस, मैं जल्दी से खाने का सामान लेकर आ जाता हूँ। मैं खाने के लिए तोरई लेके आ चुका था गाइस। अम्मी छेलनी, अम्मी कितनी देर में बन जाएंगी ये रही है? अम्मी आधा घंटा है, आधा घंटा गाइस कितना टाइम हो रहा है? गाइस 1:07 हो रहे हैं, आधे घंटे में मतलब कि 1:30 बजे अम्मी हमको तोरई बना के देंगी। 3 बजे खाना खाते हो, मैं कितनी जल्दी बना? गाइस देखो रात को आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 1:30 बज रहा था ना 1:30 बजे रोटी खाई है गाइस, 1:30 बजे गाइस, क्योंकि मैं मुर्गा खा गया था ना, फिर मुझे भूख नहीं लगी, फिर गाइस मैं बाहर चला गया, तो फिर ऐसी फिर मैं माल वाले के साथ गया, थोड़ा भूख लगने लगी, तो गाइस फिर मैंने इसलिए रात इतनी लेट खाई। तेरे फ्रेंड ने पार्टी दी ना तेरे मुर्गे की? नहीं काय को दी थी? तो गाइस देख रही फ्रेंड का नहीं, हम अपना लाई तो मुर्गा। देखो अम्मी ने कहा था 1:30 बजे खाना पकेगा, लेकिन 1:30 बजे 2:17 हो रहे हैं, बताओ अब 1:30 से आधा घंटा और फालतू हो गया। अम्मी अब तो बन गया होगा, ये बना दी देखना। गाइस रोटी बन चुकी है, अपना सालन बन चुका, अब मैं जल्दी से अम्मी अंदर करके ले आओ, फिर खाता हूँ। सामान तो पहले लगता था इतना, जब बन जाता हुआ था इतना खा लेते हैं। गाइस मैंने कर लिया सालन प्लेट में है, और गाइस पनीर बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो गाइस अब जल्दी से मैं खा लेता हूँ इसे, बहुत तेज की भूख लग रही है सुबह से, वैसे अम्मी ने 1:30 से 2 बजे आ दिए। मैंने खाना खा लिया और खाना हो रहा था एकदम चटपटा, गाइस अब जल्दी से नीचे चलते हैं। और गाइस हमें आज जाना है रील भी बनाना। गाइस 2-3 दिन से मैंने रील भी अपलोड नहीं करी, और जिसको गाइस मेरी रील देखनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, रियान व्लॉग आईडी है, जल्दी से 10,000 फॉलोवर्स पूरे करा दो। चलो अपने कल्लो पे भाई हटियाओ गाड़ी, भाई हमारे सब्सक्राइबर है, भाई हमारा कोड किया था ऐसी। देखो गाइस एक और चीज दिखाता हूँ मैं, ये देखो कितना हैंडसम लगता है। तो चलो गाइस रील बनाने चलते हैं अब। आ चुके हम अपनी लोकेशन पे गाइस, तो हम जाफराबाद में ज्यादा रील बना लें, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताई थी क्यों अच्छी आती है गाइस। जैसा मैं शास्त्री पार्क में रील बनानी होगी, तो गाइस वो बैकग्राउंड के हिसाब से जैसे बादल लगाने, तो गाइस वहाँ पर वैसी रील बनती है, यहाँ पर गाइस जूम करके बनती है ब्लर में। जिसको मेरी यहाँ की रील देखनी है, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, रियान व्लॉग आईडी जल्दी से आके। अब चलते हैं गाइस घर, हमने रील वील सब बना ली है। तो गाइस मैं घर पे आ गया, तो मैंने देखा अम्मी करनी है फ्राई मुर्गा, और हूर को देखो कहाँ बैठी भी, अरे गिर जाएगी। हाँ उतर जा उतर गई, कुत्ते को देख रही थी गाइस। तो अम्मी कौन सा मुर्गा फ्राई कर रही हो आज? फ्राई करेगी हूर। अच्छा गाइस आज हूर फ्राई करेगी, तो आपको पता है कौन सी हूर को कह रहा हूँ मैं, हूर तन्नी समझते हूर कैसे फ्राई करेगी। ये गाइस दे रहे अम्मी ने मुर्गा धो लिया है, तो ये मसाले रख दिए हैं, ये सारे मसाले हैं, ये हूर बताएगी आपको कौन कौन सा मसाला है। लाल मिर्च, ये गाइस लाल मिर्च आ गई, नमक आ गया,
दालचीनी का पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, काली मिर्च, मिर्च का पाउडर, नमक और ये चाट मसाला। बस गाइस यही मसाला है और ये हमने और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है नम्मी, वही डाल दिया इसमें। एक साइड है, इसमें इसमें हरी मिर्च कूटी है इससे। डेढ़ किलो चिकन, तो डेढ़ किलो चिकन है इसमें डाल दिया। बिस्मिल्लाह, वो सारे मसाले इसमें पलट दिए एक साथ। जब मिलाना पहले सब पहुंच लो। गाइस अभी पहले जब सारा निकलेगा ना ऐसे मिलाते हैं। देखो गाइस एकदम से मिल जाएगा ही। अब देखो इसमें सारे मसाले सारे डालने का अभी ऐसे मिल जाएगा। देखो ये पूरा मिला के डलेगा इसमें। बेसन, बेसन कितना डलेगा अम्मी? चार चम्मच। गाइस चार चम्मच बेसन डलेगा, वो बेसन डलेगा पहले पूरे जो मसाले डाले थे उसे मिलाएगा उसने के बाद। ये सोडा, अच्छा अरारोट, एक चम्मच अरारोट, ये भी डल गया डेढ़ चम्मच, वो अपने हिसाब से डेढ़ चम्मच कितने कर लो। गाइस ये भी मिल जाएगा। जो हमारा मुर्गा था जिसमें हमने मसाले वसाले मिलाए थे गाइस उसे रख दिया फ्रिज में। और वो फ्रिज में क्यों रख दिया गाइस? एक घंटे के लिए रखा है। गाइस एक घंटे के लिए इसलिए रखा है क्योंकि गाइस वो थोड़े उसके मसाले वसाले मिल जाएंगे। और गाइस इतने बना रही है अम्मी चटनी, देख रहे हो गाइस तुम्हारा भाई कितनी तेज तेज बोलने लग गया। लाइक कर देना अगर तेज बोल रहा था। जो चटनी होती है वो अपनी पसंद से कोई सी भी बना लो, उसमें नहीं है कि गाइस ये वाली चटनी चाहिए ये वाली चटनी चाहिए। चटनी हो कोई सी भी हो जो आपको अच्छी लगे जिसमें आपका टेस्ट अच्छा हो वाली चटनी बना के खा लो। जल्दी जल्दी से तल दो मुर्गा अब। लग रही है? और पेट में मुर्गा बोल रहा है। अरे चूहे बोल रहे हैं पहले तो। गुड़ो जल्दी से कर दो गाइस ये फ्राई होगा इसमें और मैं आगे का आपको दिखाता रहूंगा जो हम इसमें करेंगे। ये पूछ कमेंट में बता, रोज व्लॉगिंग कर रहा हूँ सही लग रही है? तो गाइस मैं रोज व्लॉगिंग, तो गाइस मैं अगर रोज व्लॉगिंग कर रहा हूँ आपको अच्छी लग रही है कुछ कमी हो तो मुझे कमेंट में बता देना कि ये कमी लगी भाई ये अच्छा लगा। तो अब जल्दी से फ्राई कर दो और मैं दिखाता रहूंगा मम्मी क्या करेंगे। डाला पहला, और गाइस अभी तेल थोड़ा गर्म नहीं हुआ जाते था, जब पूरा गर्म हो जाएगा ना जब होगा सही करके। आओ 10 रुपए ले आओ मुर्गा खा, 10 रुपए भी लो पेटीएम कर देंगे। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ, ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਰੇ ਨੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਾਰਾ ਝੂਠਾ, ਚੁੱਪਰ ਤੇ ਪਾਵੇ ਨੀ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਨੀ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਲ ਤੋੜਤੀ, ਚੁੱਟੜ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੀ, ਰਿਹਾਨੀ ਹੋਣੇ ਐਤਵਾਰ ਸੋਹਣੀ ਏ, ਰਿਹਾਨੀ ਹੋਣੇ ਐਤਵਾਰ ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀ ਏ। तो गाइस मुर्गा हो रहा है एक नंबर, अब जल्दी से खा लेते हैं। देख देख के भूख लगने लग गई और इसे इसमें खाना वाना खा के गया था फोन पे गिलास चढ़वाने, और फोन पे गिलास क्यों चढ़वाने गया था गाइस मेरा गिलास टूट गया था। तो गाइस मैं अम्मी अभी तुम्हें गिलास चढ़वा के आ रहा था ना, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, बैठो चलो बैठ जाओ गाइस अम्मी को आराम से बैठा के। अरे सुन लो बहुत अच्छी बात है अम्मी, आगे के लिए अच्छी रहेगी। बात बताऊँ क्या है, मैं आ रहा था अभी गिलास चढ़वा के जाफराबाद से। तो गाइस उस रोड पे से ना एक जा रहा था लड़का गाड़ी चलाते हुए, तो वो हाँ सच में, तो गाइस उसका ऐसा एक्सीडेंट हुआ पुन पट 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 पलटता हुआ चला गया। गाइस वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो दिखाता तू जब जरा हो तो दिखाएगा। देखो गाइस एक तो उसके लग गए और मैं वहाँ वीडियो बना था गाइस को कहते हैं भाई वीडियो बना रहा उठा उठा ले। फिर भी मतलब देखते था मतलब कैसे गिरा वो थोड़ा बहुत ही हो जाता कैसे गिरा। गाइस अगर मैं वहाँ वीडियो नहीं बनाता गाइस भीड़ लगी थी बंदे कहते तो ये उठाने के शर्म नहीं है, तो ये उठाने के चक्कर में तो उसकी वीडियो बना रहा है। ये तो तेज गाड़ी चलाने का गाइस, इसलिए गाड़ी हल्की चलाओ हल्की रोड पर गाइस और नजर कहीं नहीं रखनी चाहिए, सीधे रखनी चाहिए। बहुत बंदे होते हैं देखो यूँ यूं ही घूमते नजर। कमेंट कर देना भाई जो जो हल्की गाड़ी चलाता है और जो तेज चलाता है वो भी कमेंट कर देना, पता लग जाएगी भाई हमारी कितनी कितनी स्पीड वाले बाइक कितनी स्पीड वाले व्लॉग देखते हैं और कितनी मंदी वाले व्लॉग देखते हैं। बोल गाड़ी मंदी ही चलाना भाई। हाँ वैसे गाइस गाड़ी मंदी चलाओ भाई कितनी जल्दी हो, फोन करके कहते भाई आ रहा हूँ मैं आराम से आ रहा हूँ, जरा जल्दी नहीं आ सकता गाइस ऐसे बोल दो गाइस, क्योंकि आराम आराम से जाओ और आराम से सेफ आओ, गाड़ी लाओ फिर खड़ी कर दो रात को, फिर आओ फिर व्लॉग बनाओ, है नी अम्मी ये व्लॉग बनाते हैं ना भाई। जल्दी से भाई के YouTube पे 100K सब्सक्राइबर करा दो। और आप गाइज आप हम कह रहे हैं बहुत खतरनाक पार्टी करेंगे, आप भी सोच रहे हो गाइज कितनी खतरनाक पार्टी करेंगे। गाइज मैं अभी व्लॉग में दिखाऊंगा गाइज, भाई ने हमने बर्थडे की पार्टी करी थी तो गाइज उससे भी तगड़ी पार्टी होगी गाइज। ये देखो व्लॉग चल रहा गाइज, ये रहा अभी आएगा उसमें सीन आ गया कैसे पार्टी करी थी, सजावट हो रही, देखो हैप्पी बर्थडे लगा दिया और डीजे वीजे सब लगा दिया, देखो गाइज डीजे भी बजने लग गए। गाइस देखो हम बर्थडे पे इतने सारे केक लाए थे और ये देखो सारे केक हैं, पूरा अरमान व्लॉग का वो केक है गाइस, और ये जितनी पब्लिक देख रहे हो गाइस बर्थडे में इतनी सारी पब्लिक हुई थी। और गाइस 100K पे आपको देखोगे तो और ज्यादा पब्लिक मिले क्या पता गाइस, वो तो आगे की बात है कितनी पब्लिक होती है। और देखो गाइस हम ऐसे बर्थडे बनाते तो गाइस अब 100K की पार्टी इतनी खतरनाक करेंगे गाइस। अभी देखो केक पे कटेगा, ये देखो ये 50K थे जब हमारे 50K सुन थे ना, ये जब का केक है गाइस, अब तो 100K करा दो गाइस जल्दी से, थोड़े से रह गए हैं।
तो गाइस देखो ये रहा केक कटेगा यार, गाना बजा दिया पीछे इसमें। गाइस देखो ये रहा बर्थडे में कितनी पब्लिक आई थी और ये केक काटेंगे। काट दे देखो गाइस कितना हंगामा होता। गाइस आप देखते रहना कैसा डांस वांस सब होगा। देखो सारे केक काट दियो। देखो ये देखो स्नोफॉल कर दी गाइस, सिलमपुर में गर्मी में स्नोफॉल कर दी, बारिश आ गई। और देखो गाइस कितनी पब्लिक है पूरे में। और गाइस मैं भी आ गया, मैं ये रहा देखो मेरा हाथ ये काला वाला, ये रहा देखते रहना गाइस, देखते रहो सब होगा। केक खिला देंगे और गाइस मैं दिखाऊंगा आपको जो डांस वांस होता है ना वाला दिखाऊंगा। देखो भगदड़ मच चुकी है और ये भगदड़ काय की मच चुकी है गाइस, केक की मच चुकी है। और अब्बू कह रहे हैं गाइस देखो आराम से करो। ये देखो गाइस कितने केक पूरे सब में फैला दिए, केक गायब हो गए गाइस। अभी इतने सारे केक थे और गायब हो गए। देखो गाइस मैं आ गया, मुझे भी पूरा सान दिया, सबों को सान दिया गाइस, जितने भी बंदे थे ना सबों को सान दिया था। कोई साबुत नहीं खाया था, किसी के कपड़े फाड़ दिए, किसी का कुछ कर दिया था। ये रहा देखो अब गाइस ये सारे डांस वांस करेंगे और खाना वाना पहले खिला दिया था गाइस। ये रहा देखो आप देख सकते हो सब पागल हो चुके, कितने खतरनाक आ रहा है। और गाइस आपको ये व्लॉग देखना पड़ेगा तो अरमान व्लॉग के चैनल पे आकर देखो, सारे कहते पागल हो चुके हैं। देखो गाइस ये पागलों की तरह नाचेंगे, डांस देखना गाइस और कमेंट करके बताना है डांस कैसा लगा। ये देखो गाइस चैंपियन है और इनसे खुलेगी नहीं है। देखो कैसा इसका मुंह पे क्या कर रखा है, आधी आधी बना रखा और सबसे ने पड़े ऐसे लग रहा है। देखो गाइस मुंह पे कोई वो लगा के लाया, फेस वॉश पता नहीं क्या लगा के लाया, और गाइस मेरे हाथ में चोट लग रही थी उस टाइम। ये देखो ले इनसे खुलती नहीं है ये री। तो गाइस देखो फुल कोशिश कर ली लेकिन इनसे चैंपियन नहीं खुली, बताओ। अब देखो गाइस ये चैंपियन तो खुली नहीं, इसका ढक्कन खोल के एसी लुटाने लगेगा। ये देखो यूं ही लुटाने लगा गाइस, कोई बात नहीं खुली नहीं तो एसी गिरा देंगे गाइस। देखो अब इसमें फूटेंगे बम फूटेंगे गाइस सारे। ये रहे ये देखो बम फूटने लगे, बम तो फूट गए, बम दिखाई नहीं गाइस, अभी दिखाया क्या पता आगे को आने के। देखो सबों के मुंह पे थम्सअप पड़ दिया। देखो यार बम भी लगा दिया और बम फूटेंगे। देखो बंदा हाथ में पकड़ के फुला रहा, बताओ। लेकिन गाइस ऐसे नहीं फोड़ना चाहिए, जमीन पे रख के फोड़ना चाहिए, क्या पता गाइस बेक होया। और देखो कितना खतरनाक बनना था बर्थडे गाइस, आप जल्दी से 100 के सब्सक्राइब करा दो और खतरनाक बनाएंगे, इससे भी और पेटी लगा देंगे बमों की। ये देखो पूरे में पूरी गली में बम ही बम फूट रहे हैं। देखो आए थे डांसर और डांस कितना खतरनाक करते हैं, देख रखते होगा गाइस आप। ये देखो फुल प्लेन गाइस, इसमें अलग से गाने लगा थे क्योंकि कॉपीराइट आया था, इसलिए नहीं कोई और सा गाना बज रहा था, ये उस गाने पे डांस कर लेते हैं। तो गाइस कमेंट बोल देते हैं भाई, पहला कमेंट है अजर सिद्दीकू रियान भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, नाम हमारा भी लिया करो रियान भाई, आपके ऊपर अच्छी लगेगी गाइस। वो एमटी बाइक की कह रहे हैं, आपके ऊपर अच्छी लगेगी, 3 महीने सबर करने के बाद मिल जाएगी इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह दुआ करो 3 महीने से पहले मिल जाए या 3 महीने बाद मिल जाए, लेकिन भाई अगर आप दुआ करोगे तो जल्दी मिलेगी। तो दूसरा कमेंट है आजी मलिक, सबर का फल मीठा होता है, 3 महीने बाद एमटी इंशाल्लाह भाई। कमेंट है अमायरा खान, रियान भाई अम्मी के खाने का व्लॉग बना लो प्लीज। तो हमने बना लिया है आज फाइनली, आपने बहुत दिनों से कमेंट कर दी थी कि मोम की रेसिपी का व्लॉग लाओ। तो आज हम मोम की व्लॉग रेसिपी का व्लॉग लिया है, और वो मोम की रेसिपी का नहीं है, वो है हमारी हूर की रेसिपी का। तो गाइस कमेंट भी कर देना उनने भी खाना कैसे बनाया, वो जो मैं दिखा देता। अगर आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो रियान व्लॉग आईडी, जल्दी से 10,000 फॉलोवर्स करा दो, और मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लेना, 10,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे भी कंप्लीट करा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। रुको गाइस ये बता देना व्लॉग अच्छा लगा या बुरा लगा कमेंट में बता देना भाई, मेरी जो कुछ गलती हो तो व्लॉग में बता देना, मैं उन्हें सुधार सकूं, और कुछ अच्छा ही हो तो वो बता देना। बाय।